सो हे गाइस, स्वागत है आपको यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कहाँ से आप जो है सिग्नेचर फाउंड डाउनलोड कर सकते हो, जो स्टाइलिश फाउंड है वे कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। सब कुछ मैं इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ, कैसे इंस्टॉल करना है पिक्सल लैम और कैसे यूज़ करना है A to Z। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, देन इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपको यहाँ पर कोई सा भी अपना एक ब्राउज़र ओपन कर लेना। मैं क्रोम ब्राउज़र ओपन किया है, देन ऊपर आपको सर्च करना है। यहाँ पर आपको यहाँ पर फाउंड लिखना है, या फिर आप DA Found भी यहाँ पे सर्च करोगे तो इजी टाइप से आपको सर्च करके यहाँ पे कर देना है। देन उसके बाद एक ऑप्शन आएगा, सबसे पहले ऊपर वाले पे आपको क्लिक करना है। देन यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी सारे आपको फाउंड देखने को मिल जाएंगे, सिंपल भी है, स्टाइलिश भी है, मतलब आपको इनको डाउनलोड करने में बहुत इजी है। और ये जो फाउंड है बिल्कुल फ्री है, आपको इनको जो है पे वगैरह कुछ भी नहीं करना होगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ काफ़ी सारे यहाँ पे फाउंड देखने को मिल जाएंगे, आपको डाउनलोड कैसे करना है ये भी मैं आपको बताऊँगा। बट गाइस, अगर आपको यहाँ पर ऊपर देखो तो काफ़ी सारी आपको लिस्ट मिल जाएगी, मतलब आप डिफरेंट डिफरेंट तरह के यहाँ पे फाउंड वगैरह भी ईजी तरीके से डाउनलोड कर सकते हो वहाँ से देख कर। तो सबसे पहले इसमें मैं आपको कुछ और भी फाउंड्स वगैरह यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो मैं यहाँ पर जो था सिग्नेचर फाउंड आपको दिखा रहा था, तो मैं यहाँ पर सिग्नेचर लिखना है एंड देन फाउंड लिख देना है, यानी कि आपको सिग्नेचर फाउंड लिख के यहाँ पे सर्च करना है। जैसे सर्च करोगे तो वो पहले वाली उस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको काफ़ी सारे सिग्नेचर फाउंड देखने को मिल जाते हैं, इनको आपको डाउनलोड करना है। और स्टाइलिश फाउंड है, इन्हें आप यूज़ कर सकते हो, खास करके जो सिग्नेचर लोगो बनाने में काम आता है उसमें ईजी टाइप से आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर आपको जैसे नीचे देखोगे तो आपको 1, 2, 3 करके नीचे मिल जाता है, उधर आप क्लिक करोगे तो और काफ़ी सारे आपको यहाँ पे सिग्नेचर फाउंड देखने को मिल जाएंगे। मैं आपको बताता हूँ आपको डाउनलोड कैसे करना है। सबसे पहले आपको जौन सा भी फाउंड यहाँ पे डाउनलोड करना होगा, थोड़ा जूम करना है, साइड में डाउनलोड का ऑप्शन है, आपको इसको यहाँ क्लिक करना है, ये डाउनलोड होना ओपन हो जाएगा। ओपन का ऑप्शन है, यहाँ पे ओपन करना है, अंदर आपके ऐप में यहाँ पे एक ऐप होना चाहिए, RAR या एक GP ऐप भी है वो भी आपके पास होना चाहिए। इसे यहाँ पर आपको ओपन करना है, इसको यहाँ से जो है पूरी तरीके से कॉपी करना है, कुछ इस तरीके से कॉपी करने के बाद क्लिक करना है एंड जौन सा भी आपका फोल्डर है उस फोल्डर में आपको एक फोल्डर यहाँ पर बना लेना है, उस फोल्डर में जाके इसे यहाँ पर पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद गाइस आपको सिंपल जाना है पिक्सल लैब पे। पिक्सल लैब जैसे आप ओपन करते हो तो ए पे क्लिक करना है एंड यहाँ पर आपको चले जाना होगा, जहाँ पर भी आपके फाउंड्स है काफ़ी सारे आपको वहाँ जाना है। ये देख सकते हो यहाँ पे क्लिक करना है, माइंड फाउंड में जाना है और आप नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे तो ये देख सकते हो मैंने जो फाउंड डाउनलोड किया था वो यहाँ पर आ चुका है खुद ब खुद, क्योंकि मैंने एक फोल्डर पहले ही अलग से इनका बना रखा है। अगर ऐसा ना हो आपके ना है तो आपको वहाँ पर तीर करने से देख सकते हो, आपको वहाँ क्लिक करना है, देन आपको अपना जो फोल्डर होगा उसको यहाँ सर्च कर लेना है बहुत ईजी तरीके से। जो उन सभी आपने नाम लिखा है फाउंड का, फोल्डर का, उसे सर्च करके यहाँ पे द ऐड में क्लिक कर देना। इस तरीके से आपके जो सारे फाउंड्स इजी तरीके से ऐड हो जाएंगे पिक्सल लैब में। आई होप गाइज आपको वीडियो समझ में आ जाए आई होगी कि किस तरह से स्टेप बाय स्टेप आपको करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपको।